आज की एनर्जी में मैं आप लोगों से एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ शेयर करना चाहूँगी, और ये कलेक्टिव एनर्जी है। कलेक्टिव एनर्जी से मेरा मतलब होता है कि ये हर किसी को इक्वली इफेक्ट करेगी। एनी वन एनी वेयर इन द वर्ल्ड कैन पॉसिबली बी गोइंग थ्रू दिस। अब वो किसी भी तरीके से हो सकता है। ये एनर्जी आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको इफेक्ट कर सकती है, आपके काम में कर सकती है, आपके फैमिली के रिलेशनशिप्स में कर सकती है, दोस्तों में कर सकती है, राइट? अभी हमारे पास एक आ रहा है फुल मून। उससे पहले हम लोगों की एनर्जी थोड़ी अनप्रडिक्टेबल हो सकती है। अनप्रडिक्टेबल से मेरा मतलब ये है कि वन मिनट यू कैन बी ओके एंड द अदर मिनट यू कैन फील कि मुझे बहुत ज़्यादा इंथुजियाज़म फील हो रहा है, मैं डट के काम करना चाह रही हूँ, और फिर एक सेकेंड आपको फील होगा कि आप नहीं करना चाह रहे। अभी की एनर्जी जो है वो थोड़ी अनप्रडिक्टेबल ही रहेगी। इस यू नो ऑल्दो ये हफ़्ता ख़त्म हो रहा है, और इस वीकेंड पे भी मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं सबको ये एडवाइस दूँ कि अगर आपको दो मिनट भी सुकून के मिल रहे हैं तो आप अपने आप को वो दो मिनट दें, ठीक है? लोगों को पीपल प्लीज ना करें। काफ़ी केसेस में हम लोगों को खुश करने के लिए अपनी नीड्स पुट असाइड कर लेंगे, और वो एक छोटी सी चीज़ भी हो सकती है। यू नो आपकी अम्मी ने आपको कोई काम बोल दिया, आपने कर दिया, मतलब माँ अगर आपको कुछ बोल रही है तो सर आंखों पे आप 10 दफ़ा करें। बट काफ़ी दफ़ा हमें ये भी अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि हमारी खुद की भी कुछ नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स हैं, और हमें खुद अपना भी ध्यान रखना होता है। इसी तरीके से कुछ दोस्त हैं जो हर वक्त हमसे बात करना चाहते हैं, कुछ बोलना चाह रहे होते हैं। मैंने एक नई आदत शुरू की है कि जब मेरी कोई दोस्त मुझे फ़ोन करती है, यहाँ बात कर रहे होते हैं, तो मैं उसे ज़रूर पूछती हूँ कि लिसन आई होप यू हैव अ मिनट टू लिसन टू मी। बिकॉज आजकल के ज़माने में हम ये रियलाइज़ नहीं करते, हर कोई इतना परेशान होता है, हर किसी की ज़िंदगी में ऑलरेडी इतनी टेंशन चल रही होती हूँ कि आप एकदम से मुंह खोल के अपनी कोई बात दर्द करके शुरू नहीं कर सकते। आपको अगले बंदे को थोड़ा देखना होता है कि उसकी मेंटल कैपेसिटी है कि वो बंदा आपकी बात सुन ले, या आपको कोई मशवरा दे दे, या वो बंदा अपनी ही किसी परेशानी में जकड़ा हुआ है। तो आई थिंक इस हफ़्ते हमें ये इस चीज़ का एहसास ज़रूर करना चाहिए कि हम सब ज़िंदगी में परेशान होते हैं। काफ़ी दफ़ा हम अपने इर्द गिर्द लोगों को भी मिसअंडरस्टैंड कर देते हैं, बिकॉज़ हम ये रियलाइज़ नहीं करते कि जिस तरह हम परेशान हैं और हमने किसी से दिल हल्का करना है, शायद अगला बंदा भी परेशान हो, शायद उसको भी किसी से दिल हल्का करना हो। तो प्लीज़ थोड़ा सा कंपैशन रखें अपने दिल में। अगर आपको लग रहा है आपके इर्द गिर्द लोग नाराज़ हो रहे हैं, अपसेट हो रहे हैं, तो इट डजंट टेक वेरी लॉन्ग टू जस्ट आस्क, हे लिसन आर यू ओके, डू यू वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट? बिकॉज देखिए इस तरह की चीज़ें होती हैं जो इवेंचुअली लॉन्ग टर्म में लोगों को याद रहता है आप उनको कैसे फील कराते हो। लोग आपकी शक्ल भूल जाएंगे, आपका नाम भूल जाएंगे, बट लोग कभी ये नहीं भूलेंगे कि आप उनको कैसे फील कराते हो। तो आई थिंक ज़रूरी है कि हम अपने दिल में हमेशा एहसास रखें लोगों के लिए। मैं एक और चीज़ भी बोलना चाहूँगी कि इस हफ़्ते कोशिश करें कि अपने पैसे थोड़े मॉडरेशन में खर्च करें, ठीक है? मेरी कार्ट में मैंने खुद इतनी चीज़ें डाली हुई हैं, मुझे तो ये बोलना नहीं चाहिए। मैं रोज़ एक नया आज़ादी सेल खोल के बैठी हुई होती हूँ, मैं सोच रही होती हूँ कि आई शुड बाय इट, बट रियली गिव इट अ मोमेंट टू थिंक। थोड़ी सी मॉडरेशन आप अभी प्रैक्टिस करें, महंगाई वैसी इतनी ज़्यादा है, सिर्फ उन चीज़ों पे खर्चा करें जो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। खासतौर पे इस आने वाले हफ्ते में काफ़ी दफ़ा हम जज्बातियों की चीज़ें ले लेते हैं, क्योंकि हमें एक इमोशन फील हो रहा होता है और वो चीज़ें पड़ी भी होती हैं और हम पहनते भी नहीं हैं। तो कोशिश करें अपने घर में भी जगह बनाएं, अपने दिल में भी जगह बनाएं। ये मेरा आज का मैसेज है आप लोगों के लिए। दिल में आप जगह इस तरह बनाएंगे जब आप लोगों को थोड़ा सा कंपैशन दिखाएंगे, उनके लिए एहसास रखेंगे, और आप अपने घर में जगह इस तरह बनाएंगे पुराने जूते, पुराने बैग्स और पुरानी चीज़ें, मेरा मतलब पुरानी नहीं कि बिल्कुल फटी हुई हो, मतलब ऐसी चीज़ें जो कि अच्छी कंडीशन में हो। आपको क्या पता आप स्कूल शुरू कर रहे हैं अपने बच्चों का, एंड आपके बच्चों के पास नए बैग्स हैं, नई चीज़ें हैं, एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड जिनके पास ये नहीं होता। तो अगर आप जिस तरीके से दुनिया में, एंड आज फ्राइडे भी है, एंड फ्राइडे का दिन होता है जब हम अपनी एनर्जी लोगों को अच्छे तरीके से दें, अपना दिल साफ रखें, खुले दिल से लोगों को देंगे, अल्लाह ताला भी खुले दिल से हमें देगा। बस दिल नहीं छोटा करना चाहिए। अगर आप पुराना या एक साल यूज्ड बैग अच्छी कंडीशन में अपने अपनी हेल्प के बच्चों को दे दें, या अपने ड्राइवर के बच्चों को दे दें, या किसी को ऐसे को दे दें जिनको ज़रूरत हो, तो यू नेवर नो कि ये चीज़ें कैसे कम अराउंड करती हैं। एंड थोड़ा सा अपने ऑप्टिमिज्म को भी कंट्रोल में रखें, खुश हों। अगर आपको लग रहा है कि अगला बंदा जो है, जिस तरह अगर मैं इतनी अचीवमेंट से बहुत खुश हूँ कि पता नहीं मैंने को बहुत ही बड़ा मार्का मार दिया है कि मैं 2 हफ्ते से डॉन का ये शो कर रही हूँ, और अगर मैं किसी से जाके ये बात करूँ और अगला बंदा थोड़ा उदास है, तो दिस इज़ नॉट द राइट वे टू डील विद पीपल। अगर आपको लग रहा है आपके
कोई उदास है तो आप अपनी खुशी थोड़ी सी देर के लिए साइड पे भी कर सकते हैं और आप अगले बंदे को सुन सकते हैं, उनको एक अच्छी फीलिंग ट्रांसफ़र कर सकते हैं, फिर आप अपनी खुशी शेयर करें। अपनी खुशी भी लोगों के मुंह पे इतनी ज़्यादा जाहिर नहीं करनी चाहिए। पता है अगला बंदा परेशान है तो थोड़ी स्पेस ज़रूर होल्ड करें।